एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। आई एम सविता, लेक्चरर एट गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल अमरसर जयपुर। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक पोइम 5th ए रोड साइड स्टैंड पार्ट 2 रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जहाँ भी नाम आता है, हम उनके नाम से ही जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत कम बोलते हैं लेकिन इनकी बातों का अर्थ बहुत ही गहरा निकलता है। वो बहुत कम लिखते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। ठीक उसी तरह से उन्होंने ये पोइम लिखी है। सीधे शब्दों में कहें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम सबसे प्रार्थना की है कि सड़क किनारे जो भी छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं और किस तरीके से वो वहाँ पर आने वाले जो भी लोग वहाँ पर आते हैं उन लोगों से किस तरीके की उम्मीदें वो लगाए रखते हैं। अब हम पोइम को पढ़ते हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटिफुल किन आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लाइव इन विलेजेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर Where they won't have to think for themselves anymore, while greedy goodors, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to sue them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. It is in the news that all these beautiful kin. आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन। न्यूज मीन्स समाचार या खबर। खबरों में ये न्यूज है कि ऑल दीज ब्यूटीफुल किन की ये दयनीय लोगों की सारी जो भी संपत्ति है मर्सीफुल एंड दयनीय लोग जो भी हैं ये जो आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन कि ये जो दयनीय लोग हैं इनकी सारी संपत्ति खरीद ली जाएगी, यानी सरकार इनकी सारी संपत्ति को खरीद लेगी जिससे उनको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन पर दया करके इनको गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लाइव इन विलेजेज इनको इन पर दया करके इनको गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर और ये लोग या तो थिएटर में किसी नाटकशाला में या किसी स्टोर के पास इन लोगों को रहना पड़ेगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर जहाँ पर इन्हें अपने खुद के बारे में और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर इन लोगों को कुछ ना कुछ काम करने के लिए दे दिया जाएगा, इनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाएगी, इन्हें सामान बेचने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी क्योंकि इनको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने लग जाएंगी तो इन्हें इस तरीके से दुकानें नहीं लगानी पड़ेंगी। और वाइल ग्रिड डोर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे जबकि इन्हें सामान बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जबकि लालची अच्छा काम करने वाले शिकार के लिए लाभकारी जानवर है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों का पैसा ही हड़प लेते हैं। वाइल ग्रीडी डोर्स बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे लालची जो लोग हैं वो अच्छा काम करने वाले शिकार के लिए वो एक लाभकारी जानवर के रूप में होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों का पैसा ही हड़प कर लेते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो सरकार के लाभकारी जानवर होते हैं, प्रेमिन शिकार और यानी कि जो भी पैसा आ रहा है वो सब क्या करेंगे, ये लिस्ट मीन्स जानवर हैं जो खाने वाले हैं। बेनिफिशियंट मीन्स लाभकारी। यानी कि सरकार के ये लाभकारी जानवर हैं। ये लालची नेता हैं जो उनके जीवन पर मंडराते रहते हैं और उनको विवश करते रहते हैं लाभ प्राप्त करने के लिए। स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स यानी लाभ प्राप्त करने के लिए उनके जीवन पर चारों तरफ मंडराते रहते हैं। देट आर कैलकुलेटेड टू शू देम आउट ऑफ देयर वेट्स और उनको वो विवश करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा देख कर उनको विवश करते हैं। आउटविट्स यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए गणना करते हैं, ऐसी गणना करते हैं ताकि वो शांत हो जाएं।
यानी कि वे नेता लोग ऐसी बातें उनके सामने करते हैं जो उनकी समझ से परे होती हैं, और उनको सिखाकर कि सोना कैसे है, और उसके बाद खुद पूरे दिन सोते रहते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, यानी उनको ये बात सिखाकर कि सोते कैसे हैं, सोना किस तरीके से है, ऐसा सिखाकर हाउ टू स्लीप दे और दे स्लीप ऑल डे, और फिर खुद पूरे दिन भर सोते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन नेताओं के वादों से गरीब आदमी इतना भ्रमित हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि अब तो उसके मजे हो गए हैं कि उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सारे कार्य सरकार के द्वारा कर दिए जाएंगे, उनकी रात की नींद को भी नष्ट वो कर देते हैं। प्राचीन तरीके से उनकी रात की नींद को नष्ट कर देते हैं। कभी ये कहना चाहता है इसमें कि हमेशा से यही होता है कि नेता लोग बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते, तो वो उसी प्राचीन तरीक़ों से जो पहले से होते आए यानी कि वादा करके उनको पूर्ण न करना, इस तरीके से उनकी रात की जो नींद है उसको वो नष्ट कर देते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट देयर एनिशिएंट वे, जो उनकी रात की नींद सोने का जो प्राचीन तरीका था उसको वो उसकी रात की नींद को वो नष्ट कर देते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन द सैडनेस दैट लार्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्केल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट्स ए फार्मर प्राइस आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. कभी कभी मैं खुद आई फील माई सेल्फ, मैं खुद स्वयं ऐसा महसूस करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर, कि मैं बड़ी मुश्किल से ही ये सहन कर सकता हूँ द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि इतनी ज़्यादा जो बचकानी व्यर्थ की चिंता का जो विचार है वो उस बात को मैं बड़ी मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, खुली हुई खिड़की के नज़दीक, ओपन विंडो खुली हुई खिड़की के नज़दीक उदासी, सैडनेस दैट लार्क्स, उदासी छिपी हुई रहती है, यानी कि दुकान का जो मालिक है उदास होकर बैठा रहता है क्योंकि कोई भी गाड़ी उसकी दुकान के सामने नहीं रुक रही है, तो वो दुकानदार पूरे दिन इंतज़ार करते रहते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट, वो पूरे दिन लगभग इसी बात का इंतजार करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, ओपन प्रेयर पूरे दिन प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई भी गाड़ी आ जाए, और वो खुले रूप से प्रार्थना करते हुए उन गाड़ियों का इंतज़ार करते रहते हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, किस चीज़ का इंतज़ार वो करते हैं, फॉर द स्क्रील ऑफ ब्रेक्स, किसी ब्रेक के चीखने की आवाज़ का इंतज़ार। ब्रेक के चीखने से अभिप्राय है गाड़ी के रुकने से, कि गाड़ी के जब ब्रेक लगते हैं तेज़ चलती हुई गाड़ी के, तेज़ी से जो आवाज़ आती है उस गाड़ी, तो उस आवाज़ का वो इंतज़ार करते हैं कि किसी भी गाड़ी के ब्रेक लगे तो गाड़ी यहाँ पर रुके। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और वहाँ से जो गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके रुकने का वो इंतज़ार करते हैं, उस गाड़ी के रुकने की आवाज़ का सुनने के लिए वो बेताब रहते हैं। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, और वहाँ से जो गुजरने वाली हज़ारों स्वार्थी कारें हैं, ऐसी वो स्वार्थी कारें हैं, उन कारों का वो इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कार यहाँ रुके, या प्रार्थना करते रहते हैं कि कोई भी गाड़ी यहाँ आकर रुके और हमारी दुकान से कोई ना कोई सामान खरीद कर ले जाए। यदि कोई कार जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, यदि कोई कार पूछताछ के लिए रुकती है, किसी चीज़ बात को पूछने के लिए रुकती है कि व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, ये किसान का मूल्य क्या है, यानी उस चीज़ की कीमत क्या है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी रुकती हैं जो केवल घास को उखाड़ने के लिए रुकती हैं, अर्थात गाड़ियाँ अगर रुकती हैं तो वहाँ जो व्यक्ति करते हैं वो घास को काट कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं, वो खुले स्थान में इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, यानी कि वो उस गाड़ी को उस खुली जगह में ले जाकर घुमाकर मुड़ा कर ले जाने के लिए उस जगह का यूज करते हैं जिससे वो वहाँ की घास दब जाती है, यानी कुछ गाड़ियाँ इसलिए रुकती हैं कि वहाँ की घास उससे ख़राब हो जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कुछ गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए रुकती हैं कि वो ये पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है या इसकी सीमा कहाँ तक है, और
एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, और कुछ ये पूछते हैं, ये पूछने के लिए रुकते हैं कि क्या वो उनको एक गैलन गैस बेच सकते हैं। दे कुड नॉट, वो नहीं बेच सकते। दिस क्रॉसली दे हैड डन, उनके मना करने पर, उनके मना करने पर वो इस बात पर गुस्सा होकर वो कहते हैं कि दे हैड डन, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि क्या इन गाड़ी वालों को डिडंट इट सी, क्या इन गाड़ी वालों ने ये देखा नहीं कि बेचारे ये जो गरीब हैं, जो दुकानदार के पास बहुत सारी और भी उनके पास सामग्री है, जैसे जामुन हैं, खुमेरे हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, तो क्या ये सब इन लोगों को दिखाई नहीं देती? तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनसे कोई चीज़ खरीदने के बजाय वो इन पर गुस्सा कर रहे हैं। तो इसमें पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि हमें इन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो हम लोगों से, यहाँ पर जो गाड़ी वाले जो अमीर लोग आ रहे हैं, उनसे जो आशा बनाए रखते हैं कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी, हमारे पास रुकेंगी और हमसे कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगी ताकि उनको कुछ पैसा मिलेगा और वो अपना जीवन सही तरीके से चला पाएंगे, तो उनकी इस आशा को बनाए रखने के लिए हमें इन लोगों से कुछ ना कुछ खरीदते रहना चाहिए। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सैंड आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। नो इन कंट्री मनी, पोइट कहते हैं कि नो इन कंट्री मनी, यहाँ पर एक कंट्री का मतलब है देश से, और जो दूसरा वाला कंट्री है वो है, उसका मतलब है गांव से। तो पोइट कहते हैं नो इन कंट्री मनी, किसी भी देश के पैसे में द कंट्री स्केल ऑफ गेन, गांव के लाभ का स्तर, द रिक्वेस्ट मीन्स अपेक्षित, और लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट मीन्स है उत्थान का भाव कभी भी नहीं पाया गया। कभी ये कहना चाहता है कि नाउ इन कंट्री मनी, किसी भी देश के पैसे में गांव के लाभ का जो स्तर था उसके उत्थान का अपेक्षित भाव नहीं पाया गया, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसीलिए गांव की आवाज़ शिकायत करती हुई सुनाई देती है। आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, और गांव के लाभ की जिस ढंग से अपेक्षा की जाती है वो तो उनको कभी मिलता ही नहीं है, इसलिए गांव की आवाज़ उन्हें शिकायत करती हुई सुनाई देती है। अधिक लाभ देने में मैं सहायता नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, कोई भी अधिक लाभ देने में मैं सहायता नहीं कर सकता या कोई भी राहत मैं आपको इस बात के लिए नहीं दे सकता। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, और इन लोगों को नहीं तो मैं इन लोगों को इनके दर्द से एक ही झटके में बाहर निकाल देता। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, नहीं तो मैं भाई इनको कोई भी राहत नहीं दे सकता, कोई भी लाभ नहीं दे सकता, और यदि मैं ऐसा करता तो टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, नहीं तो मैं इन लोगों को इनके दर्द से वन स्ट्रोक, एक ही झटके में इनके दर्द से बाहर निकाल देता। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और तब जब ये लोग अपने दर्द से बाहर निकल जाते हैं तो आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तब अगले दिन जब मैं अपने पूरे होश आवास में आता हूँ तो मुझे ये देखकर ये जानकर आश्चर्य होता है कि मैं आपको, अपने आप सभी को अपने पास कैसे बुला सकता हूँ, अर्थात मैं आप सबको अपने पास बुलाना चाहता हूँ। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे सामने जो प्रस्ताव रखकर मुझे आराम से मुझे मेरे दर से बाहर निकाल दें, इस बात से मुझे आश्चर्य होता है। यहाँ पर आप सभी को पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही अपील कर रहे हैं कि रोड के साइड में जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन पर हम सभी को जाना चाहिए और वहाँ से उन दुकानदारों से कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए ताकि उनको कुछ पैसा मिल सके और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। यहीं पर हमारी ये पोइम कंप्लीट होती है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो ये पोइम एक्सप्लेन की गई है वो आपको समझ में आई होगी, और थैंक यू। Gracias.